तनाव, दुनिया भर की चीजें शुरू हो जाएगी अगर इस पल में नहीं रहे। जीवन जीने की कला यही तो है कि इस पल में आ जाए, इस पल में आ जाए। कई लोग ऐसे हैं जो खुश होने के लिए न जाने क्या क्या बसाते हैं, क्या क्या बसाते हैं। वो सोचते हैं कि मर्सिडीज आ जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, घर बन जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तब खुश। मैंने करोड़ों घर देखे, पूरी दुनिया में घूमता हूं मैं, मैंने करोड़ों घर देखे हैं जहां पर लोग खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए टी सेट बसाते हैं घरों के अंदर। ध्यान से सुनना, खुश और आनंद रहने के लिए वो अपने घरों में टी सेट बसाते हैं, टीवी सेट बसाते हैं, डिनर सेट बसाते हैं, सोफा सेट बसाते हैं, खुद अपसेट ही रहते हैं। इतने सारे सेट मिलाकर भी उनको सेट नहीं कर पाते इन मूर्खों को। इस धरती के मनुष्य को आखिर कब पता चलेगा कि जीवन में आनंद और खुशी साधनों से नहीं, साधना से ही मिलती है, साधना से ही मिलती है। जब तक जीवन में साधना नहीं आएगी, खुशी आ ही नहीं सकती। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आएगा, खुशी आ ही नहीं सकती। धक्के खाना है तो आपकी मर्जी, बाकी 200 रुपए में भी ये मिल सकता है अगर समझ में आ गया तो। यस नो, यस नो। तो जीवन में साधना ही है। यदि साधना जीवन में है तो इस धरती पर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, यदि जीवन में आपके साधना है। लेकिन साधना परिपक्व तभी बनती है जब उसके साथ सेवा जुड़ती है। जो व्यक्ति सिर्फ साधना करता है वो तपस्वी की तरह दिखेगा लेकिन रूखा सूखा, मुस्कुराहट दिखेगी नहीं चेहरे पर। कई लोग तो ऐसे जिनके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे हड़ताल पर चली गई हो मुस्कुराहट, पता नहीं क्यों दुखी होते बिना वजह, 24 घंटे ऐसे ही घूमते रहते हैं। कई जगह पर यह हुआ है, मुस्कुराता ही नहीं, पता नहीं जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है उसमें भी कोई वायरस आ गया हो, मुस्कुरा रहे। पप्पू अब तो मुस्कुरा। मैं यात्रा कर रहा था कश्मीर के अंदर, और कश्मीर में यात्रा कर रहा था, लाखों लोगों को ऐसे हृदय से लगाकर मिल रहा था, स्नेह संजीवनी यात्रा उसका नाम। गुरुजी ने मुझे शांति के लिए भेजा कि शांति फैलाओ, कश्मीर में जाओ। तो मैं एक साल में 12.5 लाख लोगों को पर्सनली मिला था तब शांति फैलाने के लिए। तो एक हादसा हुआ मेरे साथ, उधमपुर जिला था और उधमपुर जिले के अंदर हुआ ऐसा, रास्ते पर मैं यात्रा कर रहा था। अभी अभी स्वामी जी ने यहाँ पर यात्रा की होगी, आपने देखा होगा, की थी ना यहाँ पर यात्राएं, तो स्वामी जी ने की थी। वैसे मैं यात्रा में गया था तो जो मार्केट में निकलता था, जो मिलते थे सभी को ऐसे हृदय से लगाता था, और हृदय से लगा कर मैं उनको एक ही बात बोलता था, भैया थोड़ा मुस्कुराओ, भैया थोड़ा मुस्कुराओ। तो हुआ ऐसा, सभी को ऐसे बोल रहा था, सभी को मिल रहा था, यात्रा पूरी ही होने को थी, और एक आधेड़ उम्र का व्यक्ति आ रहा। वो आधेड़ उम्र का यानी लगभग समझ लीजिए 65-66 साल का व्यक्ति वो आया। तो मैंने उसको जैसे ही ऐसे हृदय से लगाया, और हृदय से लगाने के बाद मैंने उसको कहा, भैया थोड़ा मुस्कुराओ। बोले मैं तो रिटायर्ड हो गया जी। तो रिटायर्ड हो गया तो क्या मुस्कुराते नहीं है? उससे भी आगे गाजीपुर में, यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मैं गया, वहां यात्रा होने के बाद वहां के एक जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, नगर सेठ जैसे अमीर आदमी, उन्होंने यात्रा और मेरा सब वो देखकर इतने खुश होकर कहा कि शाम को आप हमारे यहाँ भोजन लीजिए। मैंने कहा जरूर लूंगा। उनके घर गया तो उन्होंने अपने पत्नी के साथ भारतीय परंपरा के अनुसार आरती पूजा और वो सब करके स्वागत किया, और जैसे ही स्वागत किया मैंने वो सुनील जी उनका नाम, उनको दिल से लगाया और कहा भैया थोड़ा मुस्कुरा। जैसे ही मैंने कहा भैया थोड़ा मुस्कुरा तो बोले अब तो 3-4 बच्चे हो गए जी, अब क्या मुस्कुराना। और मेरे छल्ला पड़े, टूट पड़े मेरे ऊपर,
जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया उनको बोल करके भैया मुस्कुरा, बोले आपको क्या है जी शादी वादी तो की नहीं, बोले मुस्कुरा, पता चलेगा आपको समस्या क्या होती है, शादी करो दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, ऐसे कैसे मुस्कुरा जाती है। बोले दिन भर एक तो काम करके आते हैं, जैसे घर में घुसते तो बच्चे काउ काउ करते हैं, बीवी घुस घुस करते रहती है, सब मुस्कुराहट की वाट लग जाती है। बोले मुस्कुरा, पता चलेगा समस्या क्या होती है, शादी नहीं की तो क्या समस्या नहीं होती है? कैसे कैसे बहाने बना लेते हैं, समस्या किसको नहीं होती? इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उस हर व्यक्ति को समस्या आती है। स्वामी बन गए तो क्या समस्या से छुटकारा हो गया? ना, वो भी एक समस्या होती है। और कैसी कैसी समस्या आती है, वो कहते हैं ना दूर से पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, जाएंगे चढ़ेंगे तब पता चलता है। कभी कभी हम सोचते हैं स्वामी जी को क्या है, बस जाओ सब पैर छूते हैं, मालाएं चढ़ती हैं, माल मलिदा खाते हैं, मस्त टर्र होते हैं, घूमते हैं, क्या पड़ी है। लेकिन कभी बन के देखो तब पता चलेगा, बाथरूम जाओ वहां भी पैर पकड़ने आ जाता है, वहां तो शांति लेने दे। अब तो नया शुरू हो गया है ब्लेसिंग देना, बाथरूम में जाते हैं ब्लेसिंग दीजिए, जगह तो देख मूर्ख, आशीर्वाद के लिए तेरे को बाथरूम मिला। तो समस्या कई तरह की आती है। एक मैं वार्ता करना चाहूंगा आपको, मेरे जीवन की एक दुर्घटना बोलना चाहूंगा कि समस्या सर किसी को आती है। इसका यह मतलब नहीं है स्वामी बन गए या ये बन गए तो आपको समस्या नहीं आएगी। मैं महाराष्ट्र के अंदर यात्रा कर रहा था, भारत में एक महाराष्ट्र प्रांत है, तो विलेज में एक गांव में मुझे जाना था। तो जब गांव में जाना था, मैं उस गांव में गया तो लोगों ने इतना बड़ा स्वागत रखा था, 10,000 लोग गांव के इकट्ठा हुए थे और बैलगाड़ी को बिल्कुल अच्छे से सुंदर तरीके से सजा कर रखा था, बैंड बाजा बुलाया गया था। और जैसे ही मैं आया ढोल बजने लग गए, पटाखे फूटने लग गए और मुझे उठाकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठाया गया। अब बैलगाड़ी के ऊपर उन्होंने क्या किया, वो बैलगाड़ी के पीछे जो लगी होती है गाड़ी, उस पे लकड़ी का फट्टा रख दिया, गद्दी रख दी और उसमें बैठा दिया। और तब मैं धोती पहना हुआ था, ऊपर धोती और नीचे धोती। हुआ ये कि बैलगाड़ी को बहुत सजाया हुआ था, इसलिए बैलगाड़ी का चालक भी नहीं बैठ पा रहा था, तो बैलगाड़ी के आगे जो दो बैल होते हैं वहां से पकड़ के वो उसको चला रहा था। अब जब यात्रा चल पड़ी, 10,000 लोग यात्रा के अंदर, महिलाएं मंगल गीत गा रही है, कुमारिका कन्याओं ने कलश रखे हुए चल रही है, ढोल बाजे बज रहे हैं, सभी युवा नाच रहे हैं, पुरुष अबील गुलाल उड़ा रहे हैं, पूरा गांव सजा है, देखने वाले लोग देख रहे थे क्या क्या मजा है, क्या मजा है। देखो बैलगाड़ी में घूमकर जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए, लोग देख रहे थे और सोच रहे होंगे ऐसा। बस समस्या कैसी होती है ध्यान से सुनना। बैलगाड़ी पर बैठकर मैं भी बहुत खुश होके टर्र होके खुशियों को ले रहा था कि कितनी मजा है, 10,000 लोग चल रहे हैं। और हुआ ऐसा, इतना जोश आया किसी युवा को, वो नाचते 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 महेश गिरी जी, मैं कहा ऐसे किया और खुशी के मारे उसने एक बम निकाला और बैलगाड़ी के आगे उस बात को जला के लगा दिया। बात जली, जलते 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 बम तक पहुंची और जैसे ही भड़ाम करके वो बम फूटा, बैल भड़क गए। जब बैल भड़क गए उन्होंने आव देखी ना ताव, उनको क्या पता आर्ट ऑफ लिविंग का सीनियर टीचर क्या होता है, उनको क्या पता कि स्वामी क्या होता है। उसने तो उस मालिक को फेंक दिया और खदड़ा 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 करके जो निकले हैं बैल, वो 10,000 लोग पता नहीं कहां भाग गए। मुझे बुलाने वाले ऑर्गेनाइजर्स का कोई पता नहीं, निमंत्रक कहीं, और मैं बचाव बचाव कर रहा हूं, कभी टांगे ऊपर, कभी धोती नीचे, कभी मैं इधर, कभी मैं उधर, कुछ भी, कोई बंदा सामने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया।
आधा घंटा बैलगाड़ी पता नहीं कहां गई, दूर 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 करते हुए, और रोज जहां बैलों को खेतों में बांधते हैं शायद वही जगह जाकर वो बैल रुके, और जब वो 10,000 लोगों की यात्रा पूरी हुई अंत में सिर्फ 3 बचे थे, एक मैं और बाकी 2 बैल एक दूसरे को देख रहे थे। और मैं अपने आप पर ज्ञान के 5 सूत्र लगा रहा था, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे को पूरक है, वर्तमान अटल है, परिस्थिति और लोगों का या बैलों को जैसे के वैसा स्वीकार करें। डोंट बी फुटबॉल ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, निमंत्रकों के मंतव्यों का शिकार ना बने। बैलों की गलती के पीछे कारण ना देखें, क्या कर सकते हैं, समस्या हर किसी को आती है। आप अपने जीवन से समस्या को अलग कर ही नहीं सकते, जीवन से समस्या को अलग कर ही नहीं सकते। स्वामी बनो तो ऐसी समस्या आएगी, नहीं बनो तो शादी हो गई, समस्या हर जगह होगी ही, जीवन का अविभाज्य अंग है समस्या, कुछ नहीं कर सकते आप। अब जो ऐसी घटना घटी घट गई, क्या करोगे आप? अब बैलों को मैं जाके, तू जानता है मैं कौन हूं, ऐसे करता है तो देख रहे हैं ऐसे, क्या फर्क पड़ेगा उनको। मैं अगर उस देश का प्रेसिडेंट भी होता, बैलों को क्या फर्क पड़ता, स्ट्रेस में तो मैं ही जाता अगर गुस्सा करता। हाँ जी, गुस्सा यदि मैं करता तो टेंशन तो मुझे ही होता, बैलों को तो वो तो अपनी मस्ती में। तो जो घटना घट जाती है हमारे जीवन में, जैसे अभी आप यहाँ पर आए हो और दूध रख के आए हो घर में गैस पे, यहाँ अचानक आना था और दूध उतारना भूल गए, यहाँ आकर यहाँ हल्दी का दूध, क्या करोगे अब? जो वहां होना था वो हो गया, घटना घटनी थी तो घट गई, यस नो? तो जीवन में जो भी घटना घटती है इस वक्त पे हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, और जो जीवन में परिस्थिति आती है उसके भी साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भैरवा के अंदर शाम को 4:30 बज गए हैं और इतनी गर्मी है, यहाँ पर सूरज तप रहा है, आप क्या कर लोगे? आप नेपाल के राष्ट्रपति हो तो क्या सूरज को डांटोगे, ठंडा हो जा? टेंशन आपको होगा, उसको कुछ नहीं होगा सूरज को। अभी ऐसी परिस्थिति है यस नो? तो अभी जो धूप है क्या कर लोगे आप? तो घटना और परिस्थिति इस वक्त में आप और मैं नहीं बदल सकते, इस वक्त में हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी घटना हो गई और जो परिस्थिति है इस वक्त है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी बात के जीवन में जो लोग आ गए उनके साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते। घटना जो घट गई उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, परिस्थिति जो हमारे साथ है उसके साथ कुछ नहीं कर सकते इस वक्त में, और जो लोग जीवन में आ गए हम कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। जैसी सांस मिली भैरवा में 25% डिस्काउंट में दूसरी तो नहीं मिलती, जैसी आ गई। आप कहोगे सांस पसंद नहीं है तो क्या करेंगे? सांस पसंद नहीं है तो एक ही रास्ता, एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जैसा पप्पू पैदा हो गया, अब पप्पू ही पैदा हुआ है समझ लो। आपको पसंद नहीं है तो दिवाली पे तो कोई एक्सचेंज ऑफर तो नहीं होती कि तुमको इस दिवाली पप्पू पैदा हुआ पसंद नहीं आया तो दूसरी दिवाली पे दूसरा ले जा, दूसरा आएगा लेकिन चेंज करके नहीं मिलेगा। तो मुझे जो कहना है आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इतनी सी भी बात समझ में आ गई मैंने जैसे कहा जिंदगी वसूल हो जाएगी। कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, जो घटना होती है और जो परिस्थिति जीवन में आती है, इस वक्त में हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 2 बातें कर सकते हैं। कौन सी? या तो रोते रोते सहो या हंसते हंसते सहो, क्योंकि परिस्थिति नहीं बदलती, मनस्थिति को ही बदलना पड़ता है। ध्यान से सुनना, परिस्थिति नहीं बदलती, मनस्थिति को ही बदलना पड़ता है। लेकिन हम बदलने के लिए न जाने कितनी चेष्टा करते रहते हैं,
लोग बदलने के लिए कि ये माँ बदल जाए, बाप बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, बच्चे बदल जाए, बॉस बदल जाए, नौकरी बदल जाए। एक बात याद रखना, इस धरती पर ना तो आप किसी माँ को बदल सकते हो, ना पिता को बदल सकते हो, ना बीवी को बदल सकते हो, ना पति को बदल सकते हो, ना बच्चे को बदल सकते हो, ना नौकर को बदल सकते हो, ना बॉस को बदल सकते हो। यदि आप किसी को बदल सकते हो तो सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। हम अपने आप को बदलने के बजाय पत्नी बदलना चाहते हैं, पति बदलना चाहते हैं, माँ बदलना चाहते हैं, बच्चे बदलना चाहते हैं, नौकरियां बदलते हैं कि बॉस बदल जाए। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है इसके लिए, यदि वो बात आपने जीवन में याद रख ली, जीवन धन्य हो जाएगा। सुनना चाहोगे तो फिर से अपनी उंगली उठाए और अपने पड़ोस वाले को बेशर्म होके कहे, मेरे दोस्त गुरु जी कहते हैं अगर जीवन में हमेशा खुश रहना है तो एक बात याद रख, पूरी दुनिया का कारपेट बदलने से अच्छा है, पूरी दुनिया का कारपेट बदलने से अच्छा है अपने पैर में चप्पल पहन। समझ में आई बात? पूरी दुनिया का गलीचा बदल ले जाओगे, पूरी दुनिया का कारपेट बदल ले जाओगे, दुनिया में सब ऐसा है वैसा है, भाई कारपेट बदलने से अच्छा है अपने पैर में चप्पल पहन लो। अभी अभी गुरुजी को किसी ने पूछा है, गुरुजी आई एम स्टक इन अ रैट रेस, आई एम स्टक इन अ रैट रेस। गुरुजी ने कहा जस्ट डू कैटवॉक। लोग तो ऐसे ही है, तुम क्या करोगे, अपने आप को बदल लो, सब दुनिया बदल जाएगी। एक बात याद रखना, ये जीवन का सत्य है, घटना परिस्थिति और लोग जो जीवन में आ गए। अब अगर आप स्वीकार करोगे तो सुखी रहोगे, अस्वीकार करोगे तो दुखी रहोगे। ये जीवन का सत्य है, चाहे मानो या ना मानो। सूरज तो पूरब से ही निकलता है, मैं आपको सत्य बताने आया हूं कि सूरज पूरब से निकलता है। मानोगे तो खुश रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। जीवन चल ही रहा है। Yes, no. ज्ञान क्या है? ज्ञान गीता को बार बार पढ़ना ज्ञान नहीं है, कि गीता कंठस्थ कर ली है ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जो सत्य है उस सत्य को समझना और शांत हो जाना, यही ज्ञान है। क्योंकि आपको और मुझे अंत में चाहिए शांति और आनंद। Yes, no. वो तभी हो सकती है जब जीवन में साधना आए, जीवन में सेवा आए, सेवा से ही साधना परिपक्व हो सकती है। तो सेवा क्या है? सेवा क्या है? सेवा का मतलब इतना ही है कि सृष्टि में हमने जन्म लिया है, जिस तरह से प्रकृति की हर वस्तु अपने स्वभाव में रहकर जीती है, हमें भी अपने स्वभाव में रहकर जीना है। आप सूरज को देखो, अपने लिए नहीं जीता, पूरी दुनिया को प्रकाश बांटता है, जीवन बांटता है। बांटना ही जीवन है, सच्चाई तो यही है। जितना बांटोगे आप देखोगे उतनी खुशियां बढ़ेंगी आपके जीवन में, जितना बांटोगे उतनी शांति का अनुभव होगा आपको, जितना पकड़ के रखोगे उतना दुखी होंगे, उतने अशांत हो जाएंगे। यदि आपको खुशी की कोई बात मिली और खुशी की बात को भी आप पकड़ के रखोगे तो वही खुशी की बात आपके दुख का कारण बन जाएगी, जब तक बांटोगे नहीं तब तक। प्रकृति की हर चीज आप देखोगे, जो भी बांटोगे आपको खुशियां ही मिलेगी। सूरज रोशनी और जीवन बांटता है, इसलिए उसमें इतनी चमक है। जल तृप्ति देता है, इसलिए उसमें इतनी शीतलता है। पेड़ छांव देते हैं, प्राणवायु देते हैं, इतनी सुंदरता है उनके अंदर। प्रकृति की हर चीज आप देखोगे कुछ न कुछ बांट रही है, कुछ न कुछ बांट रही है। तो मनुष्य का सार्थक होना तभी है जब वो बांटना सीखे, जब वो बांटना सीखे। हम अपने बच्चों को भी बहुत गलत संस्कार देते हैं। कई माँ बाप मेरे पास आके बोलते हैं कि आप, ये मेरा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है और ऐसा है वैसा है, और देखो कैसा इस उम्र में मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है, आप कुछ करो। मैं कहा मैं क्यों करूं, ये सब तेरा किया कराया है, मैं क्यों करूं? बोले कैसे? अब आप देखो छोटे जब बच्चे होते हैं हमारे कैसे संस्कार डालते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको कोई मिठाई भी देते हैं, इधर ही बैठ के खाना, किसी को मत देना,
स्कूल में भी टिपल है, किसी को मत देना, खा लेना, 2 रुपया देगा किसी को मत देना, काजू दिया किसी को मत देना, बार बार उस बच्चे को किसी को मत देना, किसी को मत देना, किसी को मत देना सिखाते हो। जब वो बड़ा हो जाता है तब किसी को कुछ नहीं देता, उसमें माँ बाप को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि उस बच्चे को तब तो बताया नहीं था कि माँ बाप को छोड़कर किसी को मत देना। उसे क्या पता कि ये तो कंप्यूटर जैसा प्रोग्राम है, जो डालोगे वही काम करेगा। तो जीवन में मुझे जो कहना है कि बांटना जो है वही संस्कृति है, बांटना जो है वही हमारा स्वभाव है। यहाँ पर हम दिव्यता को बांटने आए हैं, मानवता को बांटने आए हैं, वो सेवा वही है। निकलता है गांव गांव बांटने निकलता है, नहीं तो इनको ऐसी क्या पड़ी है यार, एनलाइटनमेंट मिल गई, क्यों इतना धंधा कर रहे हैं यार, पता नहीं सबको धंधे लगा दिया। जाओ कोर्सेस लो, लोगों के घर जाकर पर्चे बांटो, लोगों को समझाओ। लोग 10 बहाने करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, फिर भी उनके पीछे लग के यार कोर्स करो, यार कोर्स करो। क्यों? क्योंकि खुशी जब होती है ना भीतर, तो फूट निकलती है, वो रुक नहीं पाती। इसलिए बार 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 कि तुमको भी मिल जाए, तुमको भी मिल जाए, तुमको भी मिल जाए, क्योंकि हम अज्ञानता में जीते। जब तक किया नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग की क्रिया की नहीं होगी, तब तक आपने और मैंने न जाने कैसी कैसी बातें, क्या बात करते हो, 1000 रुपए क्रिया के, सांस लेने के भी पैसे लेते हो, क्या क्या बोला होगा, और जब क्रिया की अनुभव कुछ और ही था। Yes, no. तो मनुष्य के जीवन में यही होता है, कल्पना से हम तय करना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें कल्पना के परे। तो गुरु जो होता है उसके भीतर वो खुशी फूट निकलती है, इसलिए बार 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 वो धक्के मार मार के भेजता है कि नहीं जाओ, लोगों को फोर्स करवाओ, लोगों को कहो कि जीवन में जो ये है यही तो सत्य है। जितने लोग समझ गए उतने लोगों का तो जीवन कम से कम इस ज्ञान के पथ पर सुंदर और अच्छे से होगा। क्रिया करके और कुछ होता नहीं है, इसका मतलब पानी का ग्लास पियोगे और दूध का हो जाएगा क्रिया करके, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पियोगे तो उस पीने को भी आनंद से, उस पानी को भी आप बहुत तृप्ति से लेंगे, आप सजगता से लेंगे। आप साधना जीवन में सजगता लाते, तो गुरु भी रुक नहीं पाते, बांटने निकलते। तो मुझे आपसे जो कहना है वो कि जो भी खुशी आपको मिली है आर्ट ऑफ लिविंग में आकर, कुछ गुरुजी और इस ज्ञान को उपयोग करके, उसको रोज जब तक आप अपने जीवन में नहीं लाओगे तो ये ज्ञान भी फिर दुख का कारण बन जाएगा, रोग बन जाएगा। जीवन में ये साधना रोज होनी चाहिए। कई लोग क्रिया कर लेते हैं कोर्स, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुछ क्रिया होते नहीं, फिर वापस दुखी होना शुरू हो जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? क्रिया कर ली, सब कुछ, इतना खुशी हो गई, क्रिया के आखिरी दिन आप देखो कितने खुश थे। यस नो? लेकिन फिर वापस वो अपनी दुनिया में चल के वापस दुख शुरू हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो साधना निरंतर अभ्यास छोड़ गया। आप घर में अगर झाड़ू रोज नहीं लगाओगे, महीने में एक ही बार लगाओगे तो धूल तो इकट्ठा होनी है। उसी तरह से रोज आप लोगों के न जाने कितने कितने प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं समाज के। रोज वो क्रिया टूथब्रश करते हो वैसे मन का ब्रश है, क्रिया आप करोगे धूल झटक जाएगी, मन साफ का साफ रहेगा। और सेवा उसके साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक सेवा जीवन में नहीं आती, सेवा यानी यही बांटना। अब ये गुरुजी आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि जाओ लोगों को जाकर घर घर जाकर बोलो कि गुरुजी आ रहे हैं, उसमें आए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आप अच्छी बात को फैला रहे हो। एक परम संत, ब्रह्म ज्ञानी संत जब इस धरती पर कदम रख रहा है, उसके नजरों के सामने लोगों का आ जाना मात्र ही बस है। वो दर्शन की महिमा इसीलिए हमारे परंपराओं में, क्योंकि उनके नजरों के सामने आ जाना, उनकी ऊर्जा क्षेत्र में लोगों का आना मात्र बस है उनके जीवन में सकारात्मकता के बीज डालने के लिए। इसीलिए दर्शन के लिए हम जाते हैं। पुराने वक्त से दर्शन का महिमा इसीलिए, क्योंकि वो जब हम दर्शन को जाते हैं, आप देखोगे दर्शन को जाते हैं तो आपको होटल में जो विचार आएंगे वो मंदिर में नहीं आते।
क्यों? क्योंकि वहां मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती तो मूर्ति के अंदर उस दिव्य शक्ति को आमंत्रित करके आरोपित किया होता है। तो आपको वहां पर इतनी पॉजिटिविटी होती है उस मूर्ति के सराउंडिंग्स में, आसपास में आप जाते हो तो वो आपके भीतर की निगेटिविटी निकालती है और पॉजिटिविटी डालती है। तो आप देखोगे जैसे मंदिर जाओगे, गुरु के पास जाओगे, भगवान गुरु और मंदिर में जब आप जाते हो तो आपको बुरा कुछ किया होगा, गलत कुछ किया होगा तो याद आना शुरू हो जाता है। होता है नहीं होता है ऐसा? निगेटिविटी सब बाहर निकलना शुरू होती है और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके अंदर भरना शुरू हो जाती है। दर्शन की इसीलिए महात्म्य कहा गया है। आप जब उस ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हो तो अपने आप को सकारात्मकता से भरने के लिए जाते हो। आप कभी देखोगे बहुत ज्यादा जंगलों में आप घूमोगे तो प्राण शक्ति बहुत ऊपर रहती है, सिनेमा हॉल में ज्यादा देर बैठोगे तो प्राण शक्ति नीचे चली जाएगी। उसी तरह से संत के पास जाते हो आप, ऊर्जा बढ़ जाती है आपकी। ब्रह्मज्ञानी संत की बात कर रहा हूं मैं, हर भगवा कपड़ा और वैसे कपड़े पहनने वाले साधु की बात नहीं, जिसको ब्रह्मज्ञान मिल चुका है, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, सत्य का ज्ञान मिल चुका है और आप तो ऐसी एक जीवंत धरती के भीतर बैठे हो, गौतम बुद्ध जहां से हुए ना, और उस कृपा में आ जाना बहुत हो गया। जैसे ही वो उस कृपा में आ जाते सकारात्मकता से भरना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि धक्के मार के भी लोगों को लाना पड़े वहां पर तो लेकर आना, क्योंकि ज्ञान के पथ पर अगर धक्का मारोगे तो उस धक्के से आदमी गिरेगा नहीं, उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के पथ पर कभी कोई गिरता नहीं है, धक्के से उठता ही है। रातो देखिने सब्सक्राइब बटन में क्लिक गर्नुस्, हैप्पीनेस मंत्र सब्सक्राइब करना लाई, र घंटी में क्लिक गर्नुस हाम्रा लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नलाई।